गाइस क्या आप सब कुछ अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो, जैसे एक अच्छा डाइट प्लान, एक अच्छा वर्कआउट प्लान या एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, फिर भी आप अपने डिजायर्ड गोल से दूर हो और आपको नज़र ही नहीं आ रहे, या आपको जो इनर सेटिस्फैक्शन होता है वो मिल ही नहीं रहा है। तो गाइस विल यू बिलीव मी अगर मैं कहूँ आपसे कि ये फॉल्ट आपके बॉडी का नहीं पर आपके माइंडसेट का है। तो गाइस इस वीडियो में इसी टॉपिक में थोड़ा डीप जाते हैं और समझते हैं कैसे एक माइंड स्ट्रांग माइंडसेट हेल्प कर सकता है आपको अपने डिजायर्ड गोल्स अचीव करने में और फिटनेस को लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखने में। और आपके गोल्स जो भी हो, जैसे वेट लॉस या फैट लॉस या मसल गेन या तो रिवर्सिंग योर लाइफस्टाइल डिसीजंस जैसे ओबेसिटी वगैरह वगैरह, तो इस सब फैक्टर्स में आपका माइंडसेट एक की रोल प्ले करता है। और इस वीडियो में हम जानते हैं वो सीक्रेट जिसकी मदद से आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना के आपके फिटनेस जर्नी को लॉन्ग लॉन्ग टर्म गेम के जैसा अडॉप्ट कर सकते हो। तो हाय गाइस, दिस इज संजीव कालीवाला। आई एम द फाउंडर ऑफ द नेचुरल लाइफस्टाइल हब एंड ऑन अ मिशन टू हेल्प एटलीस्ट 100,000 कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हु आर अबोव 40 ईयर्स ऑफ एज टू अचीव देयर गुड हेल्थ, टू अचीव देयर फिटनेस, टू अचीव देयर लॉन्जिविटी बाई यूजिंग ऑल नेचुरल टेक्निक्स। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू द वीडियो। गाइस टेक्निक्स डिस्कस करने से पहले थोड़ा ये समझते हैं कि क्यों ये माइंडसेट इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है स्पेसिफिकली व्हेन यू क्रॉस द एज ऑफ 40। तो जब आप एज क्रॉस करते हो गाइस, आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शन स्लो होने लगते हैं, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म, आपका हार्मोनल फंक्शन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह। और असली रियल चैलेंज आपका फिजिकल नहीं बट आपका मेंटली होता है गाइस। और माइंडसेट वो होता है जो आपके डिसीशंस को, आपके सक्सेस को, आपके हैबिट्स को एक शेप देता है। और आपका गोल जो भी हो, जैसे वेट लॉस करना, मसल गेन करना, या तो कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स करना, ये सब फैक्टर्स में आपका माइंडसेट एक बेस्ट फ्रेंड या वर्स्ट एनिमी का रोल प्ले कर सकता है। और ये क्यों होता है गाइस, क्यों आपका माइंडसेट ही आपका वर्स्ट एनिमी का रोल प्ले करता है? तो इसकी वजह है गाइस कि ज़्यादातर लोग जब बात फिटनेस की आती है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ध्यान देते रहते हैं, जैसे डाइट, वर्कआउट, एक पैटर्न फॉलो करना, ये सब फिजिकल फैक्टर्स पे ध्यान देते रहते हैं और अपने माइंडसेट को इग्नोर करते हैं। बट गाइस फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो आपके जिम में या तो घर पे, आप वर्कआउट तो कर रहे हो बट इंटरनली आप ये सोच रहे हो कि मैं ये वर्कआउट करने के लिए टू ओल्ड हूँ, मेरी एज ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, आई कैन नॉट डू द वर्कआउट। अगर आपका माइंडसेट ये सब सोच रहा है तो गाइस बिलीव मी, जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है, बिकॉज यू बिकम वॉट यू थिंक ऑलवेज। सो दिस इज द मेन रीजन वाई माइंडसेट प्लेस ए की रोल इन कीपिंग यू हेल्दी एंड पुशिंग यू टू अचीव यूर हेल्थ। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन गाइस, मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन बनाया जो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। सो मास्टरिंग द माइंड सेट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। एंड जैसे मैंने आपको बताया है क्यों एक माइंडसेट इम्पॉर्टेंट होता है आपको हेल्दी बनाए रखने में, आपके गोल अचीव करने में, बिकॉज योर बॉडी गोस वेयर योर माइंड अलाउस। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड गाइस जैसे मैंने कहा है, यू विल गेट वॉट यू थिंक। तो अगर आपका आपके माइंडसेट में लिमिटेड बिलीव्स ज़्यादा है, ऑब्वियसली आप अपने गोल से दूर रहोगे और आपके गोल्स अचीव करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू चेंज योर माइंड सेट टूवर्ड सक्सेस। कैसे अपने अपने ब्रेन को ट्रेन करें और अपने अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव करें। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन गाइस, एंड दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आई प्रैक्टिस पर्सनली, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल्सो। इसमें सबसे पहला है गाइस, फाइंड आउट द वाई, फाइंड आउट द बिगेस्ट वाई यू स्टार्टेड दिस फिटनेस जर्नी, वॉट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस। अगर आप अपना इंटेंशन क्लियर रखोगे, इट विल बी ईजी टू फॉलो द पाथ एंड मेक द थिंग्स ईजी। तो ये एक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फर्स्ट फाइंडिंग आउट द वाई। सेकेंड, ऑलवेज फीड यूअर ब्रेन पॉजिटिव थाट्स, बिकॉज जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया, जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। सो ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिव, फीड यूअर ब्रेन पॉजिटिव थाट्स। सेकेंड, यू कैन रीड अफर्मेशन, फॉर पॉजिटिव अफर्मेशन डेली मॉर्निंग। आई स्टार्ट माई डे विथ रीडिंग
पॉजिटिव अफर्मेशन. सेम थिंग यू कैन डू टू चेंज यूअर माइंड सेट टू सक्सेस. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, विजुअलाइज यूअर सक्सेस. ऑलवेज इमेजिन करिए यूअर बेटर वर्शन. आप इमेजिन करिए आपने अपना फिटनेस गोल अचीव कर लिया है एंड हाउ यू आर इन योर बेटर वर्शन. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेक यूर माइंड सेट, चेंज यूर माइंड सेट टूवर्स यूर सक्सेस. एंड हाउ यू कैन बिल्ड यूर मेंटल रेजिलेंस, कैसे आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो आपके मेंटल रेजिलेंस को. सो दिस कैन बी डन बाय स्टार्टिंग स्मॉल. हमेशा छोटे छोटे चीज़ों से शुरुआत करिए इंस्टेड ऑफ जंपिंग एंड डूइंग सम बिग टास्क एट वन टाइम. तो डिवाइड द टास्क इंटू स्मॉल स्मॉल टास्क एंड स्टार्ट करिए छोटे छोटे चीज़ों से एंड ऑलवेज सेलिब्रेट यूअर विन्स. तो कितना भी छोटा होने दीजिए. सपोज यूअर टारगेट वॉज ड्रिंकिंग 2 extra glasses of water पर डे और आपने उसको अचीव कर लिया है. सो सेलिब्रेट द अचीवमेंट. तो कितना भी छोटा अचीवमेंट रहने दीजिए, उसे आप सेलिब्रेट करिए जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे और आपका माइंड सेट स्ट्रांग बनता जाए. और हमेशा एक्शन पे फोकस दीजिए ना कि परफेक्शन पे, बिकॉज परफेक्शन ही लीड्स टू प्रोक्रास्टिनेशन. आप जितना चीज़ों को परफेक्ट करने के पीछे रहोगे, जितने चीज़ों को आप एनालाइज करोगे, उतना आप प्रोक्रास्टिनेशन के ट्रैप में गिर जाओगे और उतने आपके चीज़ों को डिले करोगे एंड यू विल बी अवे फ्रॉम यूर गोल्स. तो ऑलवेज फोकस ऑन द एक्शन इंस्टेड ऑफ परफेक्शन. इवन आई डू द सेम थिंग गाइस. व्हेन आई स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन द डे बाई डे एक्शन, छोटे छोटे एक्शंस पे, ना कि जो एंड प्रोडक्ट है मेरा फोकस उस पर कभी नहीं रहता है. आई ऑलवेज फोकस ऑन द स्मॉल स्मॉल स्टेप एंड आई इवन सजेस्ट दिस थिंग ओनली टू माई क्लाइंट्स ऑल्सो एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट बाई फॉलोइंग दिस स्मॉल स्टेप्स. ऑलवेज फोकस ऑन एक्शन इंस्टेड ऑफ परफेक्शन. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज, हाउ ए स्ट्रॉन्ग माइंड सेट विल हेल्प यू टू रिवर्स यूर लाइफ स्टाइल डिसीजेस. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन. तो हाउ यू कैन रिवर्स यूर लाइफ स्टाइल डिसीजेस बाई यूजिंग यूर माइंड सेट. आपके लाइफ स्टाइल डिसीजेस को रिवर्स करने में माइंड सेट एक की रोल प्ले करता है गाइज. सबसे पहला पॉइंट है, इट विल हेल्प यू टू चूज यूर फूड्स वाइजली एंड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनी अननेसेसरी स्टफ. एंड सेकेंड, अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग है और आपके माइंड में आप ये सोच रखते हो कि एज इज जस्ट नंबर एंड यू कैन अचीव यूर गोल्स डिस्पाइट ऑफ द एज वंस यू क्रॉस द 40, देन ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग यूर गोल्स. एंड थर्ड गाइस, माइंड सेट इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू टू अडॉप्ट यूर healthier and fitter lifestyle and it will keep you motivated to go longer in this fitness journey. So these were the few points how a strong mindset will help you to reverse your lifestyle diseases also. Now let me share few do's and don'ts which will help your to change your mindset to the success. So usme sab pehla do hai guys, let me share some do's. So sabse pehla point hai patience rakhna. Because success will take time guys, so instead of bothering about success, instead of worrying about the end goal, process pe dhyan dijiye aur patience rakhiye aur aapke goals aapke paas daudte hue aayenge. And third, jaise maine kaha hai, always celebrate your small small wins and always surround yourself with positivity or positive people so that you can be you can maintain your positivity and you can move a little bit longer in this fitness journey. And a few don'ts of this mindset guys, stop, first thing, stop comparing yourself with others because comparison is the thief of joy. So maine previous videos bhi banaye, you can check out in my channel. So kabhi bhi apne aap ko kisi se compare mat kariye because you are unique, your journey will be unique and your goals are unique. So everyone is unique, so always try to be different instead of trying to be better. And always don't scare off small setbacks. Kyunki har journey mein failures bahut common hote hain. So failures are the steps for your success. So har failure se kuch na kuch seekhiye and keep on moving so that you can achieve your better version one day. And don't focus solely only on scale. Sirf scale pe baat dhyan dijiye guys. Sirf agar aapka goal weight loss karna hai to sirf scale pe dhyan mat kar dijiye, ya to weight gain karna hai phir bhi scale pe hi mat dhyan dijiye. Check out the overall improvement of your health. Check out aap kaise aapka cardiac health badh chuka hai, kaise aapka body composition change ho raha hai, kaise aapka mental focus badh raha hai, how you are started feeling good, how your hunger started working good and it's sub aspects, this all factors. So focus on the overall health instead of
फोकसिंग ओनली ऑन स्किल. सो दीज वर द फ्यू डूस एंड डोंट्स ऑफ यूर फिटनेस माइंड सेट विच विल हेल्प यू टू कीप गोइंग इन दिस फिटनेस जर्नी. तो गाइस दिस वॉज द शॉर्ट वीडियो, थोड़ा लॉन्ग चले गए, बट होप यू गॉट ए गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो रिगार्डिंग यूर माइंड सेट. तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस. तो गाइस दिस इज संजीव कालीवाला साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम स्टे हेल्दी, स्टे फिट. Bye.